और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों ने यह बताया, भटिंडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया, अपने सीएम को थैंक्स कहना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा, ऐसा अधिकारियों ने बताया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, ANI पर अब यह खबर आ रही है। भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर अटका रहा, खड़ा रहा, दूसरी तरफ से वाहन कैसे आ गए, इतनी बड़ी सेंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में, वो भी तब जब पंजाब प्रशासन को प्रधानमंत्री के काफिले के बारे में ये जानकारी थी या नहीं, ये अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि रास्ता सैनिटाइज्ड क्यों नहीं था, क्यों दूसरी तरफ से गाड़ियां आ गई। पंजाब पुलिस और SPG ने करीब 15 से 20 मिनट तक उन गाड़ी वालों से बात की, गाड़ियों को हटवाया, तब प्रधानमंत्री का काफिला निकल पाया। और फिर प्रधानमंत्री ने कहा अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा एयरपोर्ट लौट पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक, एक बड़ी सेंध लगी है पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक, नेशनल मार्टर्स मेमोरियल में गए थे, जब वहां से लौट रहे थे तब फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही। इसकी वजह से जो उनका फिरोजपुर में उनकी रैली होने वाली थी वो नहीं हुई, मेजर सिक्योरिटी लैप्स, इसे गृह मंत्रालय ने कहा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि 30 किलोमीटर जब राष्ट्रीय शहीद स्मारक के पास, हुसैनीवाला के पास थे वहां से, तब फ्लाईओवर पर उनके रास्ते को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। सत्येंद्र, आप एयरपोर्ट पर भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ANI के हवाले से खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि थैंक्स बोलना,